हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेटजी की जो आपको लाइव मार्केट में बता देगी आपको सी बाय करना है या पी बाय करना है। जिन भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है लाइव मार्केट में कि आज सी बाय करना चाहिए या पी बाय करना चाहिए, जिनको चार्ट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आता है, ये स्ट्रेटजी बेसिकली उनके लिए है। तो सिंपल से टूल्स है, दो तीन टूल्स है जो आपको यूज़ करके सी बाय करना है या पी बाय करना है वो डिसाइड हो सकता है लाइव मार्केट में। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको स्पॉट चार्ट बिल्कुल देखना नहीं है, सिर्फ सी का और पी का आपको चार्ट देखना है। जैसे ही मार्केट शुरू हो जाती है सुबह, तो आपको जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस का सी एक तरफ लगाना है, एक तरफ पी लगाना है, और उसके लिए पिवट्स पॉइंट का यूज़ होगा, वो मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। और उसके बाद में एक मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज, बस उसके ऊपर है नीचे है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि आज वीक क्या है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, या पी वीक है या पी स्ट्रॉन्ग है, या सी वीक है या सी स्ट्रॉन्ग है, ये आप देखने से पता चल जाएगा और आप डिसाइड कर सकते हो। और उसका बाइंग का पॉइंट कहाँ पे है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप हमें कहाँ पे बाय करना है, या कहाँ पे मतलब सी बाय करना है, कहाँ पे सी बाय करना है और कहाँ पे पी बाय करना है, या आप वो चार्ट दोनों सी का और पी का चार्ट देख के आप डिसाइड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको सीधे चार्ट पर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आपको आ जाना है आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे जीरोधा का हो चाहे आपका फाइनेंस का हो, वहाँ पे आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ट्रेडिंग व्यू को सी और पी का चार्ट नहीं दिखाता है, प्रीमियम के चार्ट नहीं दिखाता है। तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये फाइनेंस का है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जो भी समझो, अभी निफ्टी का स्पॉट चार्ट चल रहा है 19,310, देखो ये कल का ही है, सॉरी फ्राइडे का, फ्राइडे क्या तारीख था, फ्राइडे 18 अगस्त का है, ठीक है। तो ये स्पॉट चार्ट तो हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ सुबह एक बार जब जैसे ही प्री मार्केट में ओपनिंग हो रहा है वो पहले ही पता चल जाता है कि ये ओपन कहाँ पे हो रहा है। 19,300, यहाँ पे देखो ये ओपनिंग प्राइस दिखा रहा है इस कैंडल का, 19,309 को ओपनिंग ओपन हो रहा है मार्केट। जिसको भी ट्रेड करते हो आप, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, जो भी आप ट्रेड करते हो इंस्ट्रूमेंट, उसका आप जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके पहले कैंडल सुबह देखना है, या प्री मार्केट में आप ओपनिंग देख सकते हो। समझो ये निफ्टी का हमने चार्ट लगाया हुआ है, ये खुल रहा है 19,309 इस प्राइस पे खुल रहा है, तो हम प्रीमियम के चार्ट पे चलेंगे। तो प्रीमियम के चार्ट पे हमको जाना है और लगा देना है 19,300 का पी और 19,300 का सी। ये दोनों मैंने मार्केट प्री मार्केट में, जैसे मार्केट पता चला कि 19,300 का ओपन हो रहा है, तो मैंने ये दोनों प्रीमियम के चार्ट लगा दिए। तो इसमें करना क्या है आपको, कैसे पता चलेगा आपको आज सी बाय करना है या पी बाय करना है, इसमें दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है आज, तो ये पता करने का ये तरीका है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज 21 का लगा सकते हो या 20 का भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्लॉट कर देना है सबसे पहले दोनों चार्ट्स में। उसके बाद में सेकंड जो आपको इंडिकेटर लगाना है, पिवट्स पॉइंट ट्रेडिशनल, ये जो है ये आपको लगा देना है। ये आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा, फाइज के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा। तो इसमें आ जाने के बाद इसकी सेटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। इसमें सेटिंग क्या करना है आपको, इसमें टाइप जो रखना है तो ट्रेडिशनल आपको रखना है। इसमें फिबोनाची आता है, क्लासिकल, कैमरीला वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको रखना है ट्रेडिशनल।
ये ट्रेडिशनल आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद पिवट टाइम फ्रेम जो है उसको ऑटो ही रखना है, और ये नंबर ऑफ पिवट्स जो है पिछले वाले तो इसको 15 रखना है आपने। ये सेम सेटिंग आप इसको सिंपल तरीका है, इसमें भी आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग की है। हाँ ये और ये बताना बाकी रह गया, स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे आपको ये सब टिक किया हुआ मिलेगा, ये सपोर्ट्स वगैरह है जो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब टिक किया हुआ मिलेगा, इसको सबको आपको अनटिक करना है। ये मैंने पहले से करके रखा है, इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने ये सपोर्ट जो है S1 और R1, ये अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अगर निकाल देना है तो निकाल दे सकते हो। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि एक्चुअली मैं सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है उसके लिए, तो मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसको आप रेफर कर सकते हो, रख सकते हो। तो S1 R1 आपको रखना है। मेन जो आता है ये आता है हमारा P, इसको मैं थोड़ा अनटिक कर देता हूँ। ये जो आता है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है पिवट पॉइंट, ये सेंटर पिवट आता है जो एवरेज प्राइस ऑप्शंस का एवरेज प्राइस निकलता है। यहाँ पे प्राइस बाउंस हो सकता है या यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसके लिए हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो S1 R1 जो है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको सपोर्ट लेने वाला है या सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी आपको काम आएगा, तो आप रख सकते हो अगर रखना चाहे। मैं इसको प्रीफर नहीं करता, मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। और ये प्योर जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम रखने वाले हैं। उसी तरह से इधर यहाँ पे भी सेम आपको सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे आके सिर्फ इसको आपको पेस्ट कर देना है, तो ये जो सेटिंग है आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सुबह, आपको देखना है, पहले ऐसा समझो 15-20 मिनट या आधा घंटा तो ट्रेड ही नहीं करना है। ये देखने के बाद आप देखोगे ये जो प्राइस है 19,300 का पी जो है वो इस पिवट पॉइंट के कहाँ पे ओपन हो रहा है, पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन हो रहा है। और ये जो प्राइस है 19,300 का सी जो है ये पिवट पॉइंट के नीचे ओपन हो रहा है। उसी के साथ साथ ये जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ओपन होने के बाद इसके नीचे चला गया, और ये 21 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप सिंपली देख के बताओ, आप हमने तो अभी तक चार्ट जो स्पॉट चार्ट है सिर्फ प्री मार्केट में जहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है वहाँ पे देखा कि एक्चुअली में मार्केट का ओपन हो रहा है। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्रीमियम्स के चार्ट देख रहे हैं, सी का और पी का। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज स्ट्रांग कौन है इनमें से। आप देखो स्ट्रांग कौन दिख रहा है आपको, जो पिवट के ऊपर है वो स्ट्रांग है या जो पिवट के नीचे है वो स्ट्रांग है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इनमें से दोनों में से आपको कौन सा स्ट्रांग लग रहा है। ये सिंपल सा मेथड है एकदम। अभी देखिए ये 21 पीरियड मूविंग के एवरेज के ऊपर भी है, और ये हमारा जो पिवट पॉइंट है इसके ऊपर भी है, तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग है। कौन सा, 19,300 का पी, और ये जो है 19,300 का सी, ये आज वीक नज़र आ रहा है, मतलब इसको हमें ट्रेड ही नहीं करना है, सी को हमें देखना ही नहीं है आज, हमें क्या देखना है पी। तो पी हम कहाँ पे देख सकते हैं, उसका बाइंग पॉइंट कहाँ पे आएगा। एक तो आप ये जो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है इसको आप बाइंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, या तो अगर आपको इसका भी यूज़ नहीं करना है तो सिंपल सा, जहाँ जब ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले और ये कुछ प्राइस एक्शन बना दे तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये एकदम सिंपल सा तरीका है। या तो जब भी ये प्राइस यहाँ से इस पिवट पॉइंट को
ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगे और इसके नीचे जाने लगे, तो आप यहाँ पे सी का बाइंग देख सकते हो। वैसे या वाइस वर्सा, जब भी ये समझो यहाँ पे ओपन हो जाता, यहाँ पे एग्जैक्टली ये प्योर पॉइंट पे ओपन होता और यहाँ से ब्रेक डाउन करने लगता या ब्रेक आउट करने लगता, यहाँ से ऊपर जाने लगता, तो आप इसका अपोजिट देख सकते हो। यहाँ पे पी आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये सी ऊपर जा रहा है। तो ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। चलो ये देखो, यहाँ पे ये कौन सा दिन है, 16 अगस्त। 16 अगस्त को हम, 16 अगस्त, ये देखो, ये पी क्या हुआ, ओपन तो हुआ पिवट पॉइंट के ऊपर, लेकिन उसको रिजेक्शन आया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज हमारा, उसने भी उसके नीचे कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। और यहाँ पे जो है ये भी पिवट पॉइंट के नीचे ही ओपन हुआ था, लेकिन ये क्या दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पीई देख के सी बाय करना है आज। ठीक है, इस दिन जो है हमें पी देख के सी बाय करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने ये जो पिवट पॉइंट था हमारा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता है, सेंट्रल पिवट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसीलिए। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेक डाउन दिया, तो देखो ये कौन सी कैंडल है, 10-15 की कैंडल है। यहाँ पे भी देखो, इस साइड भी देखो आप, ये 10-15 की कैंडल है। इसने 21 पीरियड का ब्रेक डाउन कर दिया, ये जो मूविंग एवरेज है, इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, और उसके बाद में थोड़ा सा बाउंस लिया, फिर ऊपर आने की कोशिश की पिवट की, फिर इसको रिजेक्शन मिला, फिर ये कंटिन्यू नीचे चलता गया। तो जब भी, जब इसने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि मैं अभी स्ट्रांग हो रहा हूँ, कहाँ पे, 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर इस कैंडल ने जब भी क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से हम इसका बाय देख सकते थे। और इसका जो ये जब पिवट पॉइंट के नीचे है, तो हम जहाँ पे बाय बनेगा, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा ये पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस हमको लगने वाला है, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हो या और एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। अगर इसके ऊपर जाके इधर सस्टेन करके फिर ऊपर जाएगा, तो ये और जो हमने ये लिया हुआ था, इसका जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने जो मैंने बोला था, तो ये उसका रहेगा सेकंड या थर्ड टारगेट। यहाँ से ऊपर, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके, ये तो इसके नीचे कैंडल चलने लगी थी इसके लिए, नहीं तो यहाँ पे ऊपर यहाँ से यहाँ तक उसका टारगेट हो सकता है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिनको स्पॉट चार्ट देखने का तरीका या समझ में नहीं आता है, ये स्पेशली उनके लिए। तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये है 14 अगस्त, ये है 14 अगस्त। ठीक है, अभी मार्केट, हम स्पॉट का चार्ट तो देख ही नहीं रहे। ठीक है, मैं सिर्फ उसी के स्ट्राइक प्राइस का आपको पीछे का थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये देखो, जहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ होगा 14 अगस्त को, हम स्पॉट चार्ट नहीं देख रहे, हम सिर्फ प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो। ये देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो ये जो पी था, पी ओपन होते ही ऊपर 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 चलने लगा, तो पी आज क्या है, पिवट पॉइंट के ऊपर है। कौन सा ऊपर है आज पिवट पॉइंट के, पी, और सी क्या है, नीचे। तो हमें आज सी बाय नहीं करना है, आज क्या देखना है, हमें पी का बाइंग देखना है। तो पी का बाइंग कहाँ पे, जब पी ये सपोर्ट पे आएगा, इस सपोर्ट पे आएगा, आज मार्केट पी के साइड में स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि पी का जो प्रीमियम है ये पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन होके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे जब भी आएगा, इस सपोर्ट पे जब आएगा, तो यहाँ पे हमारा बाय बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये तो दिन भर ऊपर एक बार हाई लगा के फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, साइडवेज होके टाइम डीके हो गया, शायद ये
शायद ये गुरुवार का दिन हो सकता है, मुझे पता नहीं है 14 अगस्त को क्या था। तो उसके बाद में यहाँ पे जिसने भी होल्ड किया होगा, कैरी फॉरवर्ड किया होगा एंड ऑफ द डे, तो उसको गैप अप का बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजिंग भी इसने कहाँ पे दिया है, पिवट पॉइंट के ऊपर, मतलब ये पी स्ट्रांग था, मार्केट बेरिश था इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद वाले दिन चलते हैं, देखो ये है 11 अगस्त, चलते हैं 10 अगस्त, हाँ ये 11 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका प्रीमियम खुला ही पिवट पॉइंट के नीचे है, तो ये क्या है? वीक है। ये टोटली ये वीक है, सी का मार्केट नहीं है आज, मार्केट पी की तरफ जाने वाला है, ये हमें देख के पता चला कहाँ पे। ये जैसे मार्केट ओपन हुआ इस दिन, ये पिवट है उसका, ये पूरे दिन का रेंज है ये पिवट का, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन दिख रही है, पूरा पिवट का रेंज है। ये जैसे खुलता है वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसके साथ में चलता है। तो यहाँ पे जैसे 11 अगस्त को हमें पता चला मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, तो हमने दोनों के प्रीमियम चार्ट लगा दिए और देख लिया कि कौन सा कहाँ पे ओपन हो रहा है। पहली कैंडल में पता चल जाता है ये पिवट पॉइंट के नीचे है, तो हमें सी के ट्रेड आज देखने ही नहीं है, हमें क्या देखना है? पी के ट्रेड देखने हैं। तो ये पी आज स्ट्रांग है क्योंकि ये पिवट पॉइंट के ऊपर है, और ये साथ साथ में 21 पीरियड मूविंग एवरेज के भी ऊपर खुला है। तो आज हम सिर्फ पी के ट्रेड देखेंगे, ना कि सी के। इतना सा सिंपल सा स्ट्रेटजी है, जो जो भी बिगिनर है जिनको पता नहीं है कि मार्केट में आज देखना क्या है या मार्केट का ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ये स्पेशली उनके लिए है जिनको समझ में ही नहीं आता है कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, चार्ट को देखते कैसे है। वो चार्ट स्पॉट प्रीमियम के स्पॉट चार्ट देख के हमको सी बाय करना है या पी बाय करना है, ये जिनको समझ में नहीं आता है, ये स्ट्रेटेजी स्पेशली उनके लिए है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी लेके आता रहूँगा, उससे हम मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए ऐसे कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी लेके आऊँ और ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर भी कर लो। थैंक यू।